अर्तुकुश के कातिल और सल्तनत से गद्दारी करने वाले को लेने आया हूं मैं। यह सच है कि हमारे दरमियान गद्दार मौजूद है, लेकिन वो गद्दार मैं नहीं। वो गद्दार तुम्हारा यह सिपाही है कोजाबाश। यही है जो नोयान के टुकड़ों पे पलता है। कब तक सहारा लोगे तुम झूठ का? असल गद्दार तुम और तुम्हारे सिपाही हैं, और तुम बेशर्मी से मेरे सामने मेरे सिपाही का नाम ले रहे हो। अगर आज गुंदोगदू भाई जिंदा है तो कोजाबाश की वजह से। तुम्हारी सादगी देखता हूं तो मुझे तरस आता है तुम पर। बहुत हो गया। सलजान, तुम किस तरह ये कह सकती हो कि यही उस औरत की कातिल है? मुझे मालूम है वालिदा, कातिल है ये, इसी ने उस औरत की जान ली है। वो औरत इससे मिलने कालिंगा आई थी और उसे देखते ही इसके चेहरे का रंग उड़ गया था, और फिर ये औरत उसे मेरे सामने घसीटती हुई कबीला गांव से पहाड़ ले गई थी, और उसके बाद उस औरत की वहां से लाश मिली। कातिल हो तुम। आखिर तुम किस बुनियाद पर इस बात पर मुसर हो कि मैंने उस औरत को मारा है सलजान खातून? अगर तुम इल्जाम साबित ना कर पाई तो इसका मतलब है कि तुम ही वो सांप हो जिसने हमारे कबाइल में इख्तलाफात पैदा किए। उस औरत को मैंने ही कबीला गांव से बाहर भेजा था, दुरुस्त है ये, लेकिन उस वक्त से ना तो मैं कबीला गांव से बाहर गई और ना ही मैंने कालीन के कारखाने को छोड़ा। मेरे इर्द गिर्द काम करने वाले ये सब लोग मौजूद थे जो मेरे यहाँ मौजूद होने के ऐनी शाहिद हैं। और अब या तो तुम्हें इस इल्जाम को साबित करना होगा या फिर हमारी मुलाकात अब जिरगे में होगी। तुम्हारी इस बदतमीजी का हिसाब किताब जिरगे में ही लिया जाएगा तुमसे। साबित करो अपना इल्जाम। क्या सबूत है तुम्हारे पास? बताओ मुझे सलजान, हकीकत क्या है बताओ मुझे। मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ। किस बुनियाद पर तुमने ये इल्जाम लगाया? क्योंकि मैं जानती हूँ वालिदा, मुझे मालूम है कि इसी ने उस औरत को कत्ल किया है, मेरा यकीन करें। तो ये जानती है? और हम भी ये जानते हैं कि तुमने कुर्दोगलू के साथ मिलकर कबीले के खिलाफ साजिशें की हैं। अपने बच्चे के जाया होने का झूठा इल्जाम आइकिस पर लगाकर उसे कोड़े मारे। और अब तुम अपनी बदनामी और जिल्लत और रुसवाई के साथ जिंदगी बसर करो सलजान, अगर तुम हिम्मत रखती हो। तुम्हारे कारनामे सबके सामने आया हो चुके हैं। गुंदोगदू, सलजान को लेके जाओ यहां से। वालिदा चलो मेरे साथ सलजान।
वालिदा सुना नहीं तुमने? सलजान खातून का जहन खासा मुंतशिर रहता है, ये सब जानते हैं। अल्लाह आपको बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। तुम्हारा उस औरत से क्या ताल्लुक है आयतोलन? वो एक जमाने में हमारे कबीले की सरहद के पास रहा करती थी। जब भी उसे कोई मुश्किल होती वो मेरे पास चली आती और जबरदस्ती मुझसे कुछ ना कुछ लेके जाती। इस बार तो उसने हद ही पार कर डाली, इसलिए कबीले से निकाल दिया मैंने उसे। इससे ज्यादा मुझे कुछ इल्म नहीं। मेरी बेटी को माफ कर दो आयतोलन। अगर तुम ये मसला जिरगे में लेकर नहीं जाओगी तो मैं मजीद शर्मिंदगी से बच जाऊंगी। तुम सब काम जारी रखो अपने। चलो शाबाश। तुम्हें उदास होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है गोगचे। तुम बेटी हो हमारे खानदान की। तुम अपना दिल छोटा मत करना, सब ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। तो इंतजार किस बात का है तुम्हें? उम्मीद है जंग के हरबों से वाकिफ हो चुके होगे तुम। काई के गद्दारों ने खासा तजुर्बेकार बना दिया है। शुक्र है। खुशकिस्मत होते अगर उस गद्दार को पहचान लेते जो तुम्हारे पहलू में खड़ा है इस वक्त। यही लेकर आया है ना तुम्हें? बातें छोड़ो और खुद को हमारे हवाले कर दो। मुझे किसी और ने नहीं, गोगचे खातून ने तुम्हारी मौजूदगी की इत्तला दी है। छोड़ो ये इल्जाम तराशियां, बहादुर बनो, मर्द बनो अर्तुरुल। और अगर तुम्हारी नीयत मुझे फंसाने की थी तो इस सब में अपनी बीवी हलीमा को मुलव्वस करने की क्या जरूरत थी? तो का लिबास तो तुम पर जचता है दुआन। अब भी वक्त है। पहचानो कौन है दुश्मन जिसने हमें इस जाल में फंसाया है। मंगोल आते ही होंगे यहां। हम किसका इंतजार कर रहे हैं नोयान? तमाशा देखने का अपना ही मजा है तांगुत। मेरी बात अच्छी तरह सुन लो। कितनी बार रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं रुकी तुम। यहां तक कि तुम्हें खुद से अलग कर दिया, लेकिन तुम पर इस बात का भी कोई असर नहीं हुआ। हर वो सलूक किया है तुम्हारे साथ जो मर्द को जेब नहीं देता। मैंने ना चाहते हुए भी अपने हाथों से तुम पर जुल्म किया, लेकिन तुम बाज नहीं आई। अब मैं तुम्हें इस खेमे में देखना नहीं चाहता। निकल जाओ मेरी जिंदगी से, पीछे छोड़ दो मेरा सलजान। मुझे मालूम था कि इस राह के अख्तिताम पर तारीकी है, मगर अब मैं किसी से खौफजदा नहीं हूं। मुझे पता है
इख्तिताम रोशनी पर होगा। कितनी ठीठ हो तुम, अब भी इतनी हिम्मत है तुम में। शर्म करो थोड़ी सी। देख लेना, मैं साबित करूंगी उस औरत की मक्कारी को सबके सामने, फिर तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं होगी। बहुत हो गया अब। परेशान मत हो हालिमा बेटी, मैं हूं तुम्हारे साथ। अर्तुरुल की फिक्र ने मुझे परेशान कर रखा है। इंशाल्लाह कोजाबाश की गद्दारी साबित हो गई तो कोनिया जाने से बच जाएंगे हम लोग। इंशाल्लाह मेरी बेटी, इंशाल्लाह। लेकिन इंसान को वही झेलना होता है जो तकदीर में लिखा हो। तुम अभी तिफले मकतब हो तू तक। तुम्हारे हाथ की माजूरी ने तुम्हें तलवार का इस्तेमाल भुला दिया है। आंखें खोलो अपनी और गौर से देखो चारों तरफ अपने। कहाँ है वो मंगोल? हाँ, कहाँ है वो मंगोल? कहाँ है? हमला करो! Let's go.
गए नोयान। अभी जाओ। तू तो किन इतना बुरा भी नहीं है तांगुत। हम कई जंगों में तुर्कों को धूल चटा चुके हैं। तुर्क सिपाही इस दुनिया के बेहतरीन जंगजू हैं इस जमीन पर, लेकिन बगैर सरबराह के ये सब ऐसे ही हैं जैसे बगैर चरवाहे के दुम्बे। अगर इन्हें काबिल और समझदार रहनुमा मिल जाए तो ये मैदान जंग में किसी शेर से कम नहीं। अर्तुरुल को अगर हमने नहीं रोका तो वो और ताकतवर हो जाएगा। तो हम इन पर हमला क्यों नहीं करते? अगर तुम एक बेहतरीन शिकारी बनना चाहते हो तांगुत, तो तुम्हें सब्र करना होगा। काई और दुदुर्गा यूं ही लड़ते लड़ते खत्म हो जाएंगे, हमें अपनी तलवार उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और देखो चारों तरफ, चाहता तो मार देता तुम्हें। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवारें फेंक दें। मेरे बहादुरों, हम जा रहे हैं, अपने भाइयों का खून नहीं बहाएंगे। पीछे करेंगे उनका। मजा तो अब आएगा तांगुत। हम भाग क्यों रहे हैं? भाइयों का खून नहीं बहा सकते तुर्कुत। कोजाबाश ने हमसे चाल चली है।
तुम्हारी आवाज तो चारों तरफ गूंज रही है तुतकिन। बहुत जोर है तुम्हारे अंदर। चलो देखते हैं फिर। नोयान, अब क्या होगा? सलजान मेरे बारे में सब कुछ जान चुकी है भाई। दूरू को तुमने मारा ये भी जान गई? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जानती हूं कि वो इस बात की तह तक जाएगी। कबीले से बाहर अर्तुरुल और अंदर सलजान बहुत खतरनाक हरीफ हैं हमारे। हलीम और देली दमीर को भूल गए शायद। इंशाल्लाह तूतकिन अर्तुरुल को खत्म करके ही लौटेगा। अब ये शख्स मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है भाई। हर वक्त मुझे अपनी बीवी की मौत का जिम्मेदार ठहराता रहता है। इसका जमीर इसे हर वक्त मलामत करता रहता है। हर वक्त अपनी मरी हुई बीवी को याद करके रोता रहता है। आखिर कब तक मैं इसकी खिदमत करती रहूंगी? थक चुकी हूँ मैं। जहन्नुम का अजाब इससे लाख दर्जे बेहतर होगा जो जिंदगी इस शख्स के साथ गुजार रही हूँ मैं। अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। सब्र करो आयतुलन, पहले हम कुंदोगदो को अपनी बेटी के रिश्ते में बांधते, फिर सब कुछ इख्तियार में होगा हमारे। इत्मीनान रखो तुम। जो शरबत इस मुसीबत को पिलाती हूँ मैं, वो इसके दिल और निजाम तनफ्फुस पे हावी होता जा रहा है। अब मैं उसकी खुराक में एक कतरा और बढ़ा दूंगी ताकि ये किस्सा ही तमाम हो जाए। तुम बचपन में भी ऐसी ही बेसब्री थी। पहले ये औताक, फिर पूरे कबीले पर हुक्मरानी करेंगे हम। जल्दबाजी नहीं, कोई हमारे सामने सर उठाने की जरूरत नहीं कर पाएगा। सच है कि हमारे दरमियान गद्दार मौजूद है, लेकिन वो गद्दार मैं नहीं। वो गद्दार तुम्हारा ये सिपाही है खोजाबाश। पहचानो कौन है दुश्मन जिसने हमें इस जाल में फंसाया है। मंगोल आते ही होंगे। सजदा रह गए क्या? अभी तो बहुत कुछ है हैरान होने के लिए। मैंने तुम जैसे बहुत से जमीन में गाड़ दिए। बिल जी, ha
अब क्या करेंगे हम भाई? खामोश रहो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम तो मंगोलों का इंतजार कर रहे थे, वहां ये बेवकूफ आ गए। क्या समझ नहीं आया तुम्हें अभी तक बंसी? तुम्हारे इतने बड़े स्तर में दिमाग नहीं है क्या? माफ कर दे भाई, मैं क्या करूं, मेरा सर बिल्कुल खोखला है। तुम्हारे अल्फाज भी तुम्हारे सर की तरह खोखले हैं। हमला करो तू तकिन। निकल गया जोर।
अब जाओ और जाकर दुनिया को नोयान की बहादुरी के बारे में बताओ। से लेकर यहां तक बहुत दुख झेले हैं हमने, बेशुमार जंगें लड़ी हैं, मगर कभी इस तरह की सूरत हाल पेश नहीं आई। इंशाल्लाह हम इस सूरत हाल से भी निकल आएंगे। इंशाल्लाह अर्तुरुल की फतह याब होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि तुम आ गए बेटा। खैरियत है ना सब? बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं। हम फतेहयाब ना हो सके। क्या कह रहे हैं आप? जब हम मंगोलों के इंतजार में थे तो तूतकिन वहां आ गया, लेकिन मंगोल नहीं आए। मगर उसे कैसे खबर हुई इस बात की? गोकचे, शैतान ऐसे हमारी सफों में दाखिल हो गया है कि कुछ समझ नहीं आता किस पर करें भरोसा। हमें फौरन निकलना चाहिए। अभी नहीं, मंगोल हर जगह हमें ढूंढ रहे हैं। गेकली की तरफ जाएंगे हम, तैयारी करो। भाई घोड़ों को आराम की जरूरत है। हो सकता है लड़ते लड़ते थक गए हों ये भी। जी उस्ताद, कहिए। अगर तुम्हें कोई इस वक्त देख ले तो यकीन नहीं करेगा कि तुम काफिरों के सर कलम करते हो। बिल्कुल सही कहा, मैं इस काबिल का। अच्छा, तो इसलिए तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या बात है? क्या बताऊं आपको, अफसुर्दा कर दिया भाई को मैंने। अपने इस खोखले सर की वजह से अर्तुरुल भाई को मायूस कर दिया है मैंने। बहुत गलत काम हो गया। शाबाश मेरे बहादुरों,
हमारे सरदार के साथ जब तक तुम जैसे सिपाही मौजूद हैं, तो हमारे सामने कोई भी दुश्मन आ जाए वो बच के नहीं जाएगा। बिल्कुल सही कहा। अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। ये सब अपनी जान कुर्बान कर देंगे आप पर। खुश नसीब हूं मैं, बहुत खुश नसीब, लेकिन अफसोस है कि इन्हें काफिरों के सर नहीं दे सका मैं। दुश्मन हमारे तसव्वुर से भी ज्यादा ताकतवर है। लड़ना चाहता हूं मैं, लेकिन यह हाथ साथ नहीं देता। मैं मुश्किल तलवार उठाता हूं। वो दिन बहुत नजदीक है अर्तुरुल, जब दुश्मन का सर आपके इसी हाथ से कलम होगा। अगर इन जालिमों को नहीं रोक सका मैं, तो ना तो मैं जंगजू हूं और ना ही बहादुर। हम तैयार हैं भाई। सरदार का बेटा है तो खुद को बड़ा सुरमा समझता था, अब ये गजा बन जाएगा दरिंदों की। कोजाबाश, तुम वापस कबीले जाओगे, तो तक इनके मरने की खबर दोगे और बताओगे कि अर्तुरुल ने तो तक इनको मार दिया। लड़ने दो इन काई और दोदूर का कबीले के लोगों को, खून बहाने दो एक दूसरे का, और जो बच जाएंगे उन्हें मैं मार दूंगा। रवाना हो जाओ। रुको कोजाबाश, तुम्हारे हुलिये से नहीं लग रहा कि तुमने जंग लड़ी है। Oh!
अब जा सकते हो तुम। हाँ, अब लगता है कि जंग लड़ी है। कितना सुकून मिल रहा है ना ओलोबिल जी, क्या खूबसूरत मंजर है। हर तरफ फूल ही फूल खिले हुए हैं। अर्तुरुल फिर हाथ से निकल गया, दोनों को एक साथ भी तो मार सकते थे। तुम्हारी खोपड़ी में भूस भरा हुआ है तांगुत, अगर हम दोनों को मार देते तो दोनों ही साथ खत्म हो जाते। लेकिन अब मुजरिम कहलाएगा अर्तुरुल, और फिर ये दोनों कबीले एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, फिर मजा आएगा। सलजुक सिपाहियों को मारने में और अर्तुकुश के अगवा होने में अर्तुरुल का कोई हाथ नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप भाई? बदकिस्मती से ये दुरुस्त है। अर्तुरुल बेकसूर है, मुझे इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन ये बात हमारे लिए कैसे सूदमंद साबित हो सकती है, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। अर्तुरुल का मसला आखिर कब और कैसे हल होगा कुछ नहीं पता, लेकिन गुंदोगदू और गोंजागुल की शादी बहुत अहम है। उसके बाद गुंदोगदू हर कदम पे आपके साथ होगा, बशर्त ये कि हायमा इस शादी के लिए राजी हो जाए। नताइज कुछ भी हो, हमें हर सूरत काई कबीले को अपने अख्तियार में करना होगा, और उसके लिए पहले मुझे गुंदोगदू का दिल जीतना होगा, फिर उसके बाद मुझे हायमा खातून की खुशनूदी हासिल करनी होगी। कोनिया से मैंने सीखा है कि जंगें मैदान जंग में नहीं बल्कि महलात के कमरों में जीती जाती हैं। असल मैदान जंग तो सुल्तान का महल और कबीले के खैमों के दरमियान है। करती हूं मैं हर रोज कि आपसे कब छुटकारा मिलेगा हम लोगों को। बाजी, हम दोनों का बातिन शैतान की आमाज का बना, हमारे बाबा की वजह से गोगजे, उनकी हिर्स, तकबर, कीना और कभी ना खत्म होने वाली नफरत। तो मेरी प्यारी बहन, शुक्र है उस रब का कि मैं इब्नुल अरबी की मदद से अपने नफ्स को पाक करने में कामयाब हो गई, और मैं अब अपने गुनाहों का कफारा अदा कर रही हूं गोगजे। और तुम मेरी प्यारी बहन, एक लम्हे को भी ये ना सोचना कि मुझे नहीं मालूम कि तुम क्या करती फिर रही हो, तुम्हारा मकसद क्या है। तुम्हारा शादी करने का मकसद हमारे अर्तुरुल से, हमारी हलीमा से अपने यकतरफा नाकाम इश्क का इंतकाम लेना है। गोगजे, मेरी प्यारी बहन, ऐसा ना करो, याद करो अपनी बहन को।
तुम इस गुनाह के दहकते अलाव में जलकर खाक हो जाओगी। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, संभाल लो अपने आप को, संभाल लो अपने आप को, वरना सबको बता दूंगी। तुम इंतकाम में इतनी अंधी हो गई हो कि तू तकिन की मोहब्बत को भी अपने इंतकाम की भेंट चढ़ा रही हो। सुने बादशाह को कत्ल करने की हाजत रखने वाले मेरे पापा की तरह बेरहम हो तुम। मुमकिन है मेरा हर तमाचा तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दे। तुम क्या हो? क्यों नहीं हो? खुदा के लिए होश में आ गोचे। तुम्हारा वजूद इस कबीले की मेहरबानियों का मरहूने मिन्नत है और इसके लिए तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए और तुम्हें सुलेमान शाह और हामा खानम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने तुम्हारी परवरिश और सरपरस्ती की, तुम्हें शादी के काबिल बना दिया ताकि तौबा करो तुम और अपने अंदर के शैतान को मार डालो। साथ फरामोश बदबख्त लड़की। कोकचे, तुम बाहर जाओ बेटी। सलजान, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, क्या ये सब तुम्हें जेब देता है? मैं थक चुकी हूँ वालिदा, नहीं सहा जाता मुझसे अब। जो मैं देख रही हूँ वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। वो शैतानी औरत आई तोलन, वो हमारे खानदान को बर्बाद करना चाहती है। गुंडोगती और कोकचे का इस्तेमाल कर रही है वालिदा। सलजान बहुत हो गया, खामोश। आयतोलन के साथ तुम्हारी नहीं बनती। गुंडोगतू तुमसे नफरत करता है। कोकचे को तुमने सदकोप किया। आखिर तुम कब समझोगी बेटी? हाँ, बस कर दो अब, खुद को हलकान मत करो। मैं थोड़ा सा सुकून चाहती हूँ जिंदगी में। जो जैसा करेगा वैसा ही सिला पाएगा। सलजान, अब और बर्दाश्त नहीं मुझ में, बस आ जाओ अब। आज तो रन अब बहुत हो गया। आज के बाद से मैं तुम्हारा असली चेहरा सबको दिखाती रहूंगी। आज से मैं भी तुम्हारी तरह मक्कारी और तुम्हारी तरह रसालत दिखाने पर हक बचाने भूंगी। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। तौबा के बाद वो बहुत बेहतर हो गई थी, बहुत खुश थी मैं। गोकचे को मारा है उसने, हवास खो बैठी है अपने। यूं कब तक चलेगा? या तो जान से मार दूंगा या तलाक दे दूंगा मैं। तुम अगर इतने ही आजिज आ चुके हो उससे तो अपने लिए कोई खातून देखो और अपनी नस्ल आगे बढ़ाओ। लेकिन सलजान को तलाक मत देना। एक सरदार अपनी बीवी को तलाक देके तन्हा नहीं छोड़ता, रिवायात के खिलाफ है ये। क्या आपको लगता है कि वो मेरी दूसरी शादी को कबूल कर लेगी? और अगर उसने मजीद मुश्किलात खड़ी कर दी तो फिर? उसको तुम मुझ पर छोड़ दो। अगर उसने रवैया ना बदला तो इस खानदान और कबीले में उसकी कोई जगह नहीं। We'll be right back.
बताइए, क्या मुझसे बात करना चाहते थे आप? हर रोज आप अपने पापा के लिए जड़ी बूटियां जमा करने जाती हैं, लेकिन मैं... कोई बात नहीं, आज जो कुछ भी हुआ देखा मैंने। मैं आयतुलन खातून से नजरें नहीं मिला सकता। सलजान एक शरंगेज खातून है, जबकि आप एक रहम दिल इंसान हैं। आपका दिल इतना मुखलिस है कि आप अपनी बीवी को उनकी तमाम बदतमीजियों के बावजूद अलग नहीं कर पाए हैं। आपकी औलाद एक एक करके मरती चली गई। अल्लाह आप दोनों को सब्र अता फरमाए। और इसी बात का दर्द उन्हें आज इस मकाम तक ले आया है। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 मासूम दुनिया में आने से पहले ही दम तोड़ गए। मगर आप गुंदूगदू साहब काई कबीले की उम्मीद हैं। जानती हूं आप पर कई जिम्मेदारियां हैं, मगर आपके लिए यूं तनहा और गमजदा रहना मुनासिब नहीं है। तुम्हारे ये अल्फाज तुम्हारी आंखों की तरह खूबसूरत है। खैर, मुझे अब इजाजत दीजिए, मुझे चरखे में शरीक होना है। अर्तुरुल भाई के बारे में वहां बात करेंगे क्या? बिल्कुल। अर्तुरुल भाई की बेगुनाही का यकीन है आपको? अब भी आखिरी दम तक रहेगा। आपको यही बताना चाहती थी मैं कि मैं भी यही समझती हूं कि वो बिल्कुल बेगुनाह है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे भी अर्तुरुल की बेगुनाही पर उतना ही यकीन है जितना आपको है आयमा खातून, लेकिन मसला यह है कि अर्तुरुल की बेगुनाही को किसी न किसी तरह साबित करना होगा हमें। मैं जानती हूं कि सुलेमान शाह की तरह आप मेरे बेटे को अजीज रखते हैं। अर्तुरुल की जिम्मेदारी उससे वापस लेने के मौके पर आप खुश नहीं थे, जानती हूं मैं। आपने महज इसलिए साथ दिया ताकि कोई इख्तलाफ पैदा ना हो। बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि उसका साथ दें आप इस बार। जब हम जिरगे में उस पर लगाए गए इल्जामात का दिफा करें तो आपको साथ देखकर खुशी होगी। बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए जानिबदारन रवैया अख्तियार करना। ये मेरे साथ मेरे मजहब और मेरे अखलाक के मुनाफी होगा। बाकी आप इत्मीनान रखिए हायमा खातून, लेकिन अब एक भी कतरा सब्र के पैमाने को लबरेज कर सकता है। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। एक बार फिर कुजाबाश हमारे हाथों से निकल गया। अगर वो गद्दार ना हुआ भाई, कोई और हुआ तो? वही है, वो अपनी जबान से चाहे कुछ न कहे लेकिन आंखों से शैतानियत टपकती है। पूरा यकीन है मुझे गद्दार वही है। तो फिर हमें क्या करना होगा बेटा? हमें फौरन कबीले जाकर सूरत हाल बता देनी चाहिए, और कोई चारा भी नहीं। खाना तैयार है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, भूख की वजह से मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। तुम्हारे पास दिमाग है ही कहां बमसी? दुआन भाई। हाँ मेरे भाई। माना कि मेरे पास दिमाग नहीं है, तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारे पास तो बिल्कुल अकल नहीं है। दिमाग और अकल अलग होते हैं भाई। हाँ मेरे भाई, अलग अलग होते हैं।
और तुम्हारे पास अकल वाला हिस्सा ही नहीं है। बमसी, हमने तुम्हें सिपाहियों को तरबियत देने के लिए भेजा था। माशाल्लाह तुम तो फलसफी बन के लौटे हो वहां से। काबिलियत भाई, काबिलियत, काबिलियत का अपना ही मजा है। मुझे वहां जाकर अंदाजा हुआ। अतुल किसी भी सूरत इस गद्दारी में मुलविस नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि दोनों कबीलों के सरदार इस मुद्दे पर मुत्तफिक हों। किसी के जहन में यह शुबा तक नहीं होना चाहिए कि मेरा भांजा गद्दार हो सकता है। मेरा जिरगे में बैठने का सिर्फ यही एक मकसद है। अर्तुरुल हमारे अंदाजे से ज्यादा खतरनाक निकला। सुल्तान अलाउद्दीन समेत उसके बेशुमार हमदर्द हैं, जैसे कि ये उसके मामू साहब। ये जिंदा भी मुसीबत है हमारे लिए, और मरने के बाद और मुसीबत बन जाएगा। हमारा काम मुश्किल होता जा रहा है। बताओ क्या बात है बेटा? यह दुनिया में कोई नहीं है अब। पहले माँ और बाबा, उसके बाद भाई भी नहीं रहे, और अब अर्तुरुल भाई, तेली तमीर, दुहान और तुर्गुत भाई भी चले गए। इंशाल्लाह बहुत जल्द वापस आ जाएंगे वो सब। परेशान ना हो बेटा तुम। और अगर वो लोग वापस ना आए तो मैं फिर से यतीम हो जाऊंगा। एक बात याद रखो बेटा, हक हमेशा सर बुलंद रहता है। तुम देखना कि एक दिन आएगा जब अर्तुरुल भाई किस तरह तुम्हारे और इस कबीले के सरपरस्त बनेंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मजलूमों के सरपरस्त बनेंगे। हाजिर हो सकता हूं वालिदा? आ जाओ बेटा, आ जाओ। खैरियत तो है? वालिदा, जानता हूं कि आप मुझसे कभी झूठ नहीं कहेंगी, लेकिन कभी पूरा सच भी नहीं बताएंगी। क्या पूछना चाहते हो? हलीमा और देली दमीर दोनों कबीले में नहीं। आप जानती हैं कि वो दोनों कहां हैं, लेकिन मुझे नहीं बताएंगी, और ये बात मेरे दिल में खंजर की तरह छुपती है। सुल्तान अलाउद्दीन से मिलने गए हैं। सुल्तान को उनकी हुकूमत के खुफिया दस्तावेज पहुंचाने गए हैं, और फिर अर्तुरुल के खिलाफ होने वाली साजिश पे भी बात करेंगे। लेकिन ये दस्तावेज आए कहां से वालिदा? ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर मैं ये जानती हूं कि किसने भेजे हैं हमें। किसने? वो जिसे मैंने कभी मरहूम नहीं माना, जिसका मुझे यकीन था कि वह जरूर वापस आएगा मेरे पास। सुंगुर्तकिन ने भेजे हैं। सुंगुर्तकिन? मेरा भाई सुंगुर्तकिन? हाँ बिल्कुल। क्या वो हयात है वालिदा? हयात है, और वो जल्द हमारे पास वापस आ जाएगा इंशाल्लाह। चलो, जर्गे का नकारा बज रहा है, बाकी गुफ्तगु हम बाद में करेंगे। चलो जल्दी करो। जरा ठहरिए वालिदा। अर्तुरुल, उसे यह खबर कहां से मिली? अर्जुरूम यखबस्तौर सुनसान है, आखिर उन पहाड़ों में खबर पहुंचाने वाला कौन सा कासिद है? मेरा भाई आखिर किस दुनिया में रह रहा है?
सरदार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं उस रब्बे करीम के नाम से। सरदारान, हमारे सर पर सया बादल मंडला रहे हैं, इसीलिए हमने इस मामले पर बात करने के लिए आप सबको यहां मधु किया है। बताइए आपकी राय क्या है? हमारा सबसे बड़ा मसला सरदार अर्तुरुल का रिवायत को तोड़ना है। वो अभी तक रूपोश है। आप लोग क्या कहते हैं? मुझे खदशा है कि मंगोलों के जुल्म के खिलाफ हमारा साथ देने वाले सुल्तान अलाउद्दीन के अताब का सामना न करना पड़े हमें। अर्तुरुल को तो लगता है जैसे जमीन निकल गई हो सरदार। उनके अमल से तो ये जाहिर होता है कि वो सुल्तान और जिरगे से फरार हासिल करना चाहते हैं। सही कहा। मेरा भाई कभी जंग से नहीं भागा, बल्कि हमेशा उसकी जाने पेशकदमी की है। वो किससे बरसरे पैकार है गुंदोगदू? पहले वो सरदार तूतकिन के खिलाफ खड़ा हुआ, उसके बाद सलजूकियों के दर पे हो गया। क्या ये होती है जंग? मुझे एक बात बताइए, जिसने सलीबियों से जंग की, मंगोलों से लड़ा, कितने ही दुश्मनों का खात्मा किया जिसने, उसी अर्तुरुल के बारे में बातें कर रहे हैं आप लोग? अहमकाना जसारत के अलावा ये अल्फाज और कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक कहा सरदार। हमारी हिमाकत थी जो हम दोनों कबीलों को एक करने की कोशिश में लगे रहे। क्या ये सिला देंगे अब आप लोग? हमने आपकी खातिर कितनी कुर्बानियां दी, हमने अपने खेमे आपको पेश कर दिए ताकि हमारे काई कबीले के भाइयों को कोई तकलीफ पेश न आए। हमने हर तरह से मदद की आपकी ताकि आपके जख्म भर सकें और आप नई जिंदगी शुरू कर सकें। और हमें इसका सिला क्या मिला? कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहा है। अर्तुरुल गद्दार है, आपको क्यों नजर नहीं आ रहा? नहीं हो सकता। अर्तुरुल की पैदाइश के वक्त मंगोलों से लड़कर हम वापस लौटे थे। सुलेमान शाह बुरी तरह जख्मी था, मैंने उसे आर्तुक के सुपुर्द कर दिया। वो बेहोश था। हाइमा की परेशानी को मद्देनजर रखकर मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मैंने कहा वो बिल्कुल ठीक है, वो जल्द ही वापस लौट आएगा। जिस वक्त हाइमा अर्तुरुल की पैदाइश के मरहले से गुजर रही थी, सुलेमान शाह मौत और हयात की जंग लड़ रहा था। अर्तुरुल को उसकी मां के बाद सबसे पहले मैंने अपनी आगोश में लिया। मैं उसे आर्तुक भाई की शिफागाह ले गया और उसे उसके जख्मी बाप के बिस्तर पर लिटा दिया। ये मैंने इसलिए किया कि अगर उसका बाप मर जाए तो वो अपने बाबा की खुशबू से मानूस रहे। अर्तुरुल ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने बाबा के चेहरे को छुआ। सुलेमान शाह में जैसे जिंदगी लौट आई। उसने हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने फर्जंद को दुआ दी के
जिन हाथों से तुमने आज अपने बाबा को शिफायाब किया है उवोज कबाइल के लिए वो हाथ मसीहा बन जाए। हजरत अली की जुल्फिकार की तरह तुम्हारी निगाहें तेज हो और तुम उवोज की रहनुमाई करो। चाहे सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो जाए, तुम हक के रास्ते को कभी न छोड़ना। अर्तुरुल अपने बाबा की ख्वाहिश पूरी करने वाला एक सादतमंद बेटा है। मैं उसे सालों से देख रहा हूं। अर्तुरुल गद्दार नहीं है। ये किनारे सरदारे से करेंगे। क्या बात है, ठीक कहा आपने। आज भी मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि सारी दुनिया भी उसके खिलाफ हो जाए, अर्तुरुल वही करेगा जो हक है। बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही। दुरुस्त दुरुस्त सही कह रहे हो। हाँ बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया कोरकुत साहब। दुआ करता हूं कि आपकी बात सच निकले और अर्तुरुल बेगुनाह हो। जिंदा बच जाने वाले जख्मी सिपाही की बात गलत साबित हो। इंशाल्लाह। सरदार कोजाबाश जख्मी हालत में आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। वो जिरगे में आकर कुछ बताना चाहता है आपको। इजाजत है। कुजाबाश, क्या हुआ है तुम्हें? क्या बात है? अर्तुरुल ने अपने सिपाहियों के साथ हम पर हमला किया। अपनी बकवास बंद करो कुजाबाश। जानते भी हो क्या कह रहे हो तुम? हाँ, जो देखा वही कहा मैंने। उन्होंने ये हालत की है मेरी। आपको सबूत चाहिए था ना? ये है सबूत। देखिए क्या हल किया इसका। हमारे साथ तूतेकिन भी गया था, वो कहाँ है? मेरे सामने वो शेरों की तरह लड़ रहे थे, लेकिन लड़ते लड़ते पूरी तरह जख्मी हो गए। उसके बाद मैं जख्मी होकर बेहोश हो गया और जब मैं होश में आया तो चारों जानिब लाशें थी, लेकिन उनमें तूतकिन भाई मुझे कहीं नजर नहीं आए। झूठे, झूठ बोल रहे हो तुम। शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या हुआ? क्या हुआ? हाय मां, कोसता हूं उस दिन को जिस दिन तुम लोग मेरे कबीले में आए। चले जाओ यहां से। सिपाहियों का दस्ता तैयार करो फौरी तौर पर। तू तक इनको जिंदा या मुर्दा हर सूरत ढूंढना होगा हमें। परेशानी वाली बात को सुकून से बोलो कि कर सरदार के क्या हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? किसी को बताने में और बुजुर्ग क्या कर दोगे? चुप से कोई नहीं सको कि हमारे सरदार की सही कहते हैं। लौट के चले गए। पाक अपने बजम का सब हमारी क्या मदद कर दिया? बोलो तुम नहीं तुम से आ गए। अल्लाह सुकून अता फरमाए। आखिर पैमाना छलक ही पड़ा।
हर जानिब खून। क्या दरिया सलेंज काफी होगा इस खून को धोने के लिए जिससे मेरे दोनों हाथ रंगीन हो चुके हैं, या फिर दरिया लंगूर का जज्बात भड़काता पानी, या दरिया ये नहीं सही, या ये तीनों अगर एक साथ मिल भी जाएं, तो क्या मेरे हाथ साफ कर देंगे ओलोबिल जी? मैंने आज बहुत से जंगजुओं को मौत के घाट उतार दिया, कितना अज़ियतनाक है ये, कितना खतरनाक। बताओ लोबिल जी, और कितने जंगजू मेरे हाथों मौत के घाट उतरेंगे? कब खत्म होगी ये अज़ियत? हमने इन्हें पूरी दुनिया दे दी है। सच है, पूरी दुनिया दे दी हमने इन्हें। मंगोलों ने इन्हें अपना भाई बनाना चाहा ताकि मिलकर इस दुनिया पर हुकूमत कर सकें। इत्तेफाक से हमजा और अब्दुल रहमान हमारे साथ शामिल होकर हम रकाब हुए। ये दोनों हमारे लिए शमशीर की धार की तरह हैं। उस भाइयों के साथ मिलकर हम पूरी दुनिया फतह कर लेंगे, लेकिन वो वक्त आने तक वो अपने मुतकबिर, खुदगर्ज लालची और अहमक सरदारों की तकलीद करते हुए खुद को तबाह कर लेंगे। तुम क्या कहते हो हमजा? दुरुस्त कहा तुमने नोयान। जब तक दोनों कबाइल के ना अहल सरदार अंजाम को नहीं पहुंच जाते, उस वक्त तक ना हमारे सिपाही और ना ही कबीले के लोग सुकून में आ सकते हैं। तुम बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है अब्दुल रहमान? काफी खामोश हो तुम इस मामले में। अर्तुरुल सिर्फ वजीर आर्तुकुश का ही कातिल नहीं बल्कि सलजूक सिपाहियों का भी कातिल है, यहां तक कि तूतकिन का कातिल भी वही है। बताओ अब्दुल रहमान, सिपाहियों का रुझान किसकी तरफ है, किसके ताबेदार हैं? हाइम खानम या कोरकुत सरदार? आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नोयान, अर्तुरुल का सर कलम हो जाएगा। काई और दुदुर्गा वालों के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो लोग अपने ही खून में नहा जाए या फिर आपके साथ शामिल हो जाए। तीसरा रास्ता नहीं है कोई। दुनिया फतह करने के लिए उन्हें आपके साथ शामिल होना ही पड़ेगा। पूरे कबीले में शेखिया भगा रहा होगा कि हमें कैसे शिकार बनाया उसने। भाई का शुक्रगुजार होना चाहिए उसे, वरना हम लोग कब का उसे जमीन में गाड़ चुके होते। अगर हम उन्हें मारते तो वापसी के दरवाजे बंद हो जाते हमारे लिए। अब हम क्या करेंगे भाई? कोजाबाज की गद्दारी साबित करनी है, कुछ भी करके ये मामला खत्म करना होगा हमें।
इत्मीनान रखें। आइए खाना तनावल फरमाएं। वक्त बहुत कम है मेरे पास, बस एक खबर देने आया हूं। खैरियत है अर्तुक भाई? तू तकिन मर चुका है। ये सब कैसे हुआ? कोजाबाश ने बताया है, आप और आपके सिपाहियों ने मारा है उसे। मेरे बच्चे, सरदार कोरकुट साहब, खुदारा संभालिए अपने आप को। सरदार, सरदार देखिए मैं हूँ, आयतोलन आपके साथ हूँ। अपने गुनाहों का खमियाजा भुगत रहा हूं। पहले मेरी बीवी और फिर मेरा बेटा हमारे गुनाहों की भेंट चढ़ गया, और अब मेरी बारी है। मैं जानता हूं अब मेरी बारी है, जानता हूं, मैं जानता हूं। तू तक इनको कुछ नहीं हुआ, बेफिक्र हो जाए, आप देख लीजिएगा वो वापस आ जाएगा। खुदारा खुद को संभालिए। तो दुर्गा कबीले के लोग अपने सरदार को तंदुरुस्त देखना चाहते हैं, संभालिए खुद को। काई कबीला यहां नहीं रह सकता, उन्हें कल यहां से हर सूरत जाना होगा। मैं यहां मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता उन्हें, अब ये बिल्कुल नामुमकिन है, कोई सूरत नहीं। अब बिल्कुल भी नहीं। उसकी बात पर यकीन नहीं है इसलिए आया हूं यहां, लेकिन सिवाय मेरे पूरा कबीला यकीन कर चुका है। अगर आपने जल्द कोई कदम ना उठाया
तो पूरे कबीले में खूनरेजी हो सकती है। उसकी लाश मिली उन्हें? नहीं। मंगोलों ने उसे मारकर इल्जाम मेरे सर लगा दिया। शैतान अपना हर हर आजमाएगा, लेकिन यह आप पर मुनहसर है कि आप उससे कैसे नबर्द आजमा होते हैं। मुझे इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया आर्तुक भाई, आपका एहसान नहीं भूलूंगा। बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। मुमकिन है वो जिंदा हो, उसे तलाश करना होगा। हमें साथ चलेंगे। जैसा आपका हुक्म भाई। जैसा आपका हुक्म भाई। अभी से हमारे सिपाहियों को सारी रात बेनियाम तलवारों के साथ पहरे पर रहना होगा। कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त। हम और नहीं ठहर सकते यहां। अगर दोनों कबाइल के सिपाही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए तो बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। अगर जल्द हमने कोई कदम ना उठाया तो रोजे मैशर इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। वो कहां है मुझे मालूम हो गया है। आर्थुर उन्हें जिंदा लेकर यहां आए ताकि सजा मिल सके उन्हें। मैं जरा जाकर उसको जब बाद से तफ्तीश करता हूं, शायद कुछ सामने आ जाए। वालिदा, आप इस वक्त कहाँ जा रही हैं? कुरकुत भाई से बात करने। वालिदा, ये आप क्या कह रही हैं? सिपाही मुश्तहिल हैं, कोई कुछ भी कर सकता है। आप तन्हा नहीं जाएंगी वहाँ। मेरी औलाद की तरह हैं ये सारे सिपाही। मैं इनका दर्द जानती हूँ, इन्होंने अपने सरदार को खोया है। लेकिन तुम बेफिक्र रहो मेरी बच्ची। आप आर्तुक साहब, सिपाहियों ने आपको हर जगह तलाश किया। बहुत माजरत चाहता हूं आयतुलन खातून, बुखार में मुब्तिला एक मरीज को देखने जाना पड़ा मुझे। बेहतर होता आप खबर कर देते। खैर, आप इनका इलाज फौरी शुरू कीजिए। सरदार, कोरकुत को तुम्हें रोकना होगा। वो बीमारी में कोई गलत फैसला ना कर ले। वो जिंदा रहे या मर जाए मुझे कोई परवाह नहीं। उसका मर जाना शायद हमारे लिए ज्यादा सूदमंद साबित हो। ये अंदरूनी इख्तलाफात मुझे अलाउद्दीन की नजरों में बिल्कुल गैर फाल कर देंगे और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसे दवा दे दी है मैंने, सुबह तक नहीं उठने वाला वो। लेकिन ये दवा उसकी जान भी ले सकती है भाई। अगर जरूरत पड़े तो उसे हमेशा के लिए सुला दो, गहरी नींद सुला दो। इत्मीनान रखें, बहुत जल्द मैं ये भी कर दूंगी। क्या कह रहे हो?
काय कबीले को यहाँ से निकालने पर मुसर है। अहमक आदमी, अब तक जिंदगी में एक ही काम सही किया, उसे भी बिगाड़ना चाहता है। सरदार हाइमा खाना आइए। भेजो उन्हें। कोई ऐसी बात मत कीजिएगा जिससे बात बिगड़ जाए। हमें उसे नाराज नहीं करना। खातिर जमा रखो तुम। मुझे भाई से मिलना है अपने। वो इस वक्त बेहोश है, हरारत में इजाफा हो गया है उनकी। हमें उनकी इस हालत पे शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर वो हवास में होते तो तबाही का तूफान बर्पा हो जाता। अपना फर्जंद खोया है उन्होंने, इसलिए मुझे डर है कि कोई गलत कदम ना उठा बैठे। तू तक इनकी गैर मौजूदगी में मेरे लिए सिपाहियों और कबीले के लोगों और कोरकुत भाई को काबू में रखना खासा मुश्किल होगा, आप समझ सकती हैं। बहुत शुक्रिया गुमश्तकिन, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। हकीकत जल्द खुद ब खुद जाहिर हो जाएगी और उस वक्त हमारा एक दूसरे से नजरें मिलाना मुश्किल हो जाएगा। आर्तुक की क्या राय है भाई के बारे में? उनके मुताबिक वो सुबह तक अपने हवास में नहीं आ पाएंगे। अगर अर्तुरुल सरदार की मौत का सबब बना बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो तूतकिन की मौत का सबब बना है, तो फिर दोनों कबायल खून के दरिया में नहा जाएंगे। हैमा खातून, इनसे कहो यहां से बाहर जाए। कहो इनसे बाहर जाओ यहां से। मेरी जान बचाई, लेकिन आपने मुझ पर यकीन नहीं किया, अपने भाई की बात को ही सच माना। अर्तुल जिम्मेदार है और उनके साथ तुर्कुतान बमसी और दिली तमीर भी उनके साथ शामिल थे। उन्होंने हमारा घेराव करके एक एक का शिकार किया। तो वहां से तुम कैसे फरार हो गए? बहुत मुश्किल से। और अर्तुरुल कैसे अपने एक हाथ से तूतकिन से लड़ने में कामयाब हो गया? पहले तो तीर चलाए उन्होंने, उसके बाद अर्तुरुल और तूतकिन में तलवारबाजी शुरू हो गई।
अर्तुरुल अपने मफलूज हाथ का फायदा उठाकर फरार हो गया। काश तू तक इन जिंदा हो और आप ये सब कुछ उसके मुंह से सुन ले। इंशाल्लाह। हमें हर हाल में तू तक इनको ढूंढना होगा, जिंदा या मुर्दा। तुम्हारे बेहतरीन खोजी उसकी तलाश में लेकर जाऊंगा मैं भी चलता हूं भाई, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तुम यहीं रुको, आराम की जरूरत है तुम्हें। वैसे कहां हुआ था यह हादसा? अगर उन लोगों ने आप पर हमला कर दिया तो भाई मैं उनका वो हशर करूंगा कि उनकी हड्डियां भी दफन होने के लिए नहीं बचेंगी। भेड़ियों की खुराक बना दूंगा उन्हें, समझे? बताओ अब कहां हुआ था हादसा? कुर्दबुआजी पर। हलीमा सुल्तान, हमारे लिए अब वापसी का रास्ता नहीं है। जैसे ही मौका मिले कोनिया रवाना हो जाना। परेशान ना हो आप, जब तक आप मेरे साथ हैं तो रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को भूल है। अगर मैं वापस ना लौटूं और फर्जंद हो तो उसकी तरबियत जंगजुओं की तरह करना, ताकि वो मेरे नक्शे कदम पर चले। इस मामले में फिक्रमंद ना हो आप। अल्लाह के बाद मेरी औलाद और हलीमा आपके हवाले। बिल्कुल इत्मीनान रखो बेटा, जान भी कुर्बान है मेरी, जब तक जिंदा हूं मैं इन दोनों को कुछ नहीं हो सकता। जिहाद मुबारक हो तुम्हें बेटा। सिपाहियों, तुम सब मेरी बात गौर से सुनो। हम सब यहां हाथ पे हाथ रखकर तू तक इनके वापस लौटने का इंतजार नहीं कर सकते। हमें सच ढूंढना ही होगा और कोई रास्ता नहीं। या तो हम जंगली जानवरों की तरह एक दूसरे को ही मार डालें, या फिर हम मुत्तहिद होकर दुश्मन को नीस तो नाबूद कर डालें। और अब अगर ये साबित हो गया कि मेरा भाई और उसके साथी इस घिनौने अमल में शामिल हैं, तो ना मैं सलजूक अदालत के फैसले का इंतजार करूंगा और ना ही आप सबके बरहक इंतकाम का। उसे खुद अपने हाथों से मैं अंजाम को पहुंचाऊंगा। और अपने इस मकसद को पाने के लिए हमें फौरी तौर पर सरदार तू तक इनको ढूंढना होगा, ताकि सच सबके सामने आ जाए। अल्लाह के हुजूर दुआ गो हूं मैं कि तू तक इन जिंदा हो, ताकि हमारे कबीले में अमन सुकून लौट कर आ जाए। खैरियत है भाई? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, इस मुश्किल में मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ सकता। बहुत शुक्रिया आपका। सिपाहियों, अल्लाह का नाम लेकर तैयारी शुरू करो।
भाई, सुबह हो गई लेकिन अभी तक कुछ सुराग नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे उसे जमीन निगल गई। मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन तुम्हारा भाई एक मफरूर मुजरिम की तरह छुपता फिर रहा है। अगर तुम उसे काबू में रखते तो ये सूरत हाल ना पैदा होती। या अल्लाह सब्र दे मुझे। भाई, पहले हम तूतकिन को तलाश कर लें, बाद में मेरे भाई की इस्लाह पर भी बात कर लेंगे। मैं इस तरफ जाकर देखता हूं। आगे बढ़ो तुम, चलो शाबाश। फैल जाओ चारों तरफ। मैंने उसे नहीं मारा भाई। आहिस्ता बोलो, वो लोग चारों तरफ फैले हुए हैं। कोजाबाश के जरिए मंगोलों के लिए जाल बिछाया था, लेकिन तू तक इन गोकचे के कहने पर मुझ तक पहुंच गया। लड़ना चाहता था मुझसे। जब मैंने लड़ने के लिए मना किया तो उसने ताकुब किया और मंगोलों ने मार दिया उसे। यह तुमने किस मुश्किल में डाल दिया हमें अर्तुरल। मैं तो यकीन कर लूंगा तुम्हारा, लेकिन बाकी सबको कैसे कायल करोगे तुम? कोजाबाश गद्दार है भाई, मैं साबित करूंगा। अगर तुम इसी सोच के साथ चलते रहे तो तुम मजीद मुश्किलात खड़ी करोगे हमारे लिए। चलो साथ कबीले वापस चलो, हमें पहले एहतसाब करने दो। ये मुमकिन नहीं। मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से पकड़ कर लेके जाऊंगा, समझे? कुंदोगदू, हथियार डाल दो अर्तुरल। अर्तुरल
लोग आगे देखो। कुंदोगदू, कुंदोगदू, यहां भी कोई सुराग नहीं मिला। मजीद रुकना बेकार है, वापस कबीले चलते हैं। हमें जल्द आजमी सफर होना होगा दिल्ली दमीर। हमारी सवारियां तेज रफ्तार हैं, तुम परेशान ना हो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। खुश आमदीद हजरत। जहाद के लिए तैयार रहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। शुक्रिया आला हजरत। अगर दुश्मन हमारे लिए हर वक्त तैयार है तो हमें भी तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। हजरत आप यहाँ तशरीफ रखिए। बिस्मिल्लाह। अर्तुरुल दुश्मन का सामना करने गए हैं लेकिन बहुत देर हो गई, लौटे नहीं अब तक। दुश्मन शैतान की मानिंद है। क्या मतलब? इंसान आरिफ तब बनता है जब वो अपनी लग्जिशों पर काबू पाले और शैतान को पहचान ले। शैतान का काम है रास्ते से भटकाना और बंदे का काम है उसको शिकस्त देना। जो इंसान भी शैतान के हर्बों को पहचान लेता है वो अल्लाह की मारिफत हासिल कर लेता है। नफ्स से लड़े बगैर इंसान कभी भी सौले नहीं बन सकता। शैतान अपने आप को मखलूक में सबसे ज्यादा ज़हीन समझता है। वो इंसान पर पूरी ताकत से हमलावर होता है। वो समझता है कि उसने बशर को गुमराह कर दिया, मगर हकीकत में वो उस बशर को रोज बरोज रब के करीब कर रहा होता है। शैतान चाहे इंसान को कितना ही गुमराह कर ले, लेकिन रब के शुक्रगुजार बंदे उसके दाम में नहीं फंसते। और जूं जूं इंसान शैतान को शिकस्त देता है उसका अल्लाह पर ईमान मजबूत तर होता चला जाता है। हमारा दुश्मन हमें जिस मेराज पे पहुंचने से रोकना चाहता है वो ये नहीं जानता कि इस तरह वो हमारी मदद कर रहा है। हलीमा बेटी, अल्लाह हमें ईमान सालेह नसीब फरमाए। शैतान और दुश्मन के साथ पूरी कुव्वत से नबर्द आजमा होने की तौफीक अता फरमाए। खुलूस के साथ। आमीन आमीन। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने हजरत। अल्लाह आपको हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन आमीन। दरवेश तुम जरा जाकर अमानत की देखभाल करो। जैसा आप कहें हजरत। बहुत जल्द इंशाल्लाह इस मसनद पे आप बैठे होंगे भाई।
सिर्फ इस मसनत पे बैठने से मुझे कोई सरोकार नहीं और ना ही ये बात मेरे लिए कोई अहमियत रखती है आयतोलन। आप क्या कह रहे हैं भाई? और ये जो हमने इतनी मेहनत की और वो सारा कत्लो गारत किस मकसद के लिए था? मैंने कोनिया में देखा है नया दस्तूर बनने जा रहा है दुनिया का, और उस नए दस्तूर में रेवड़ चलाने वाले खाना बदोशों की कोई जगह नहीं। हमें सलजुकों की ढाल नहीं बनना, बल्कि वो हमारी ढाल बनेंगे। अब वक्त आ चुका है कि हम अपने लिए मुस्तकिल ठिकाना ढूंढ के जरखेज जमीनों पे बस जाएं, और अगर ऐसा करने में हम कामयाब ना हो पाए तो ये बदबूदार खाल हमारा कफन, ये चरागा हमारी कब्र, और ये मौसम सरमा हमारे लिए दोजख बन जाएगा। खाना बदोशी हमारी तकदीर नहीं है, बल्कि शहरे कुफार में सरदारी करनी है हमें। या तो इस दुनिया में हम अपना मुकाम बना ले कोई, या फिर दूसरी सूरत में मंगोलों के रहम और करम पे उनके टुकड़ों में पलते रहें। समझ में आ गई मेरी बात? दरअसल अर्तुरुल का कहना यह है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। कोचबाश, तो पहले तुम्हारी जान उसने इसलिए बचाई कि तुम्हारा एतमाद हासिल कर सके, और वो इसमें कामयाब भी हो गया। मैंने नोयान के पालतू को अपने खेमे तक रसाई दी थी, नहीं मालूम वो मेरे पीठ पीछे और क्या क्या करता रहा। जिस जंग को हम शुरू करने का इंतजार कर रहे थे, नोयान तो वो जंग पहले ही जीत चुका है हमसे, और हमें उसकी खबर ही ना हुई। तो आखिरकार तुम भी अर्तुरुल भाई की बात दोहराने ही लगे, और आप सब मिलके उसके जख्मी हाथ को बहाना बना के उसे एक मजबूर औरत की तरह कबीले में हमसे बेजा में रखना चाहते थे। वो जितना बाखबर करता रहा उतना ही उसे कुचलने की कोशिश की, और जब ऐसा ना हो सका तो कबीला बद्र कर दिया उसको। लेकिन तूफान आएगा ऐन कबीले के दरमियान। बताइए अब आप लोग क्या करेंगे? हाँ क्या करेंगे आप लोग? हाँ सलजान, सलजान दुरुस्त कह रही है। अर्तुरुल फिर सही साबित हुआ, मगर अब कैसे सुलझाएंगे इस कुत्ती को? वालिदा, कोचबाश गद्दार है, लेकिन हम उसकी गद्दारी कैसे साबित करेंगे? हाँ कैसे? वालिदा, मैंने हिफाजत के लिए सिपाहियों को खेमे के चारों तरफ तैनात कर दिया है। बेटा ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ? तो दुर्गा के सिपाही बिफरे हुए हैं, मुश्तहिल हो चुके हैं, ये आग दोनों कबीलों को जलाकर राख कर देगी। क्या करता मैं? अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम लोग कबीले का ख्याल रखना। भाई अगर आप पर कोई मुसीबत आई तो हमें अपने साथ खड़ा हुआ पाएंगे। ठीक है फिर, जब मैं वहां सब ठीक कर दूं तो तुम लोग मेरे पास आ जाना। भाई गुंदोगदू भाई मुंतजर है आपके। अगर मैं हालात ना संभाल पाया तो तुम्हें खबर कर दूंगा, तुम कबीले के आसपास ही रहना। क्या तुम कबीले की खातिर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? भाई मैं अपना सब कुछ कबीले के लिए वक्फ कर चुका हूं, मैं मुंतजर रहूंगा आज भी कल भी, लेकिन
कोजाबाश को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। बेफिक्र हो जाओ, उसे सजा मिलेगी। दुआ करना मेरे लिए। जी जरूर भाई, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। भाई हम भी चलते हैं। इस वक्त कुर्बानी के लिए एक ही इस्माइल दरकार है तुर्कुत भाई, वही करना जो कहा है। याद रखना मेरे शेरों, अल्लाह ही है जो हर तदबीर पर कुदरत रखता है। अल्लाह की हिफाजत में।